वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा गिरधारी देव जी की श्री विदग्ध माधव ग्रंथ की श्री नितय गौर हरि परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम पराकुल कोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगणलता श्री विशाखान्विताश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादः यस्यात् प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायन् स्मरन् तस्य शस्तिसंज्ञम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निर्यास श्यामलिंगम
परिणति रमित प्रेम लक्ष्मी भराणाम साक्षात्कार कृपाणाम अखिल मधुरिमा संपदाम संप्रदाय गांभीर्यम विभ्रमाणाम उपचित रमितश्चातुरीणाम चरम्बो भूयात आभीर नारी कुचकलष्टका लंकृति ही मंगलायो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावनुपो हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कृतमंद मदीर दया मुद्रा तुलसी कानुनम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री विदग्ध माधव नाटक श्री रूप गोस्वामी पाद पूर्ण प्रसंग में ये दर्शन कराए कि श्री चंद्रावली जी के साथ में श्री श्याम सुंदर बकुल कुंज में आनंद पूर्वक श्री चंद्रावली जी से मिलन प्राप्त कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर को आभास है कि इस बकुल कुंज में श्री किशोरी जी पधारेंगे और यदि यहाँ पर श्री चंद्रावली जी पास में विराजमान हैं तो आगे कहीं श्री प्रिया में मान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए श्री श्याम सुंदर आप स्वामी श्री चंद्रावली जी से प्रार्थना करके कि प्रिय चलो अपन पास की कुंज में चले, ऐसा कहकर के श्री चंद्रावली जी के साथ में विहार करने के बाद में और श्री चंद्रावली जी के साथ में आप श्री किशोरी चंद्रावली जी को साथ में लेकर के दूसरी कुंडी में पढ़ा रही है। ये कल के प्रसंग में ऊपर कराए थे, आज 23वें श्लोक में ये विदग्ध माधव के चौथे अंक के 23वें श्लोक में आगे वर्णन कर रहे हैं। इधर श्री श्याम सुंदर तो पढ़ा रहे हैं आप दूसरी कुंज में नागकेशर कुंज में और श्री राधिका उस समय माकंद कुंज उन माकंद कुंज में अभिसार कर रही है। श्री प्रिया जी कृष्णाभिसारे का स्वरूप धारण करके आप अभिसार करती हुई पधार रही है और कृष्णाभिसारे का जो भी माने नील वस्त्र नील ही ओढ़ना आभूषण जो धारण कर रखे हैं वो ही नीले नीले कमल की माला और नील पुष्प उनकी ही विशेष रूप से माला धारण करके ताकि अंधकार में कहीं प्रकट न हो जाए, ऐसा कृष्णावसार का स्वरूप धारण करके श्री स्वामी ने उसमें पधार ली और कह रही है अरे अंधकार हो गया है, अंधकार आता जा रहा है, अंधकार गहरा हो रहा है, ऐसा कहकर के कुंज में आई और कुंज में आ रही है। कुंज में आप प्रवेश करके कह रही है कि 23वां श्लोक देखिएगा कि विदुरान ग्राणम मदियत मुरारे परिमिलो परिमलो न कुंजोयम तस्य स्फुरते न खरद्योत निगरे ततशंके कस्मिन् नपि रहसि बल्ली बलयते परिहासाकांक्षी प्रिय सखी निलीलह स्तव सखा। बोले अभी सखी ललता तेरा सखा अभी तक आया नहीं, तब सखा कह के संबोधन कर रही है जैसे इनके इनके तो कोई लगता ही नहीं है। श्री कृष्ण को तब सखा कह करके ललता से कह रही है अरे ललता तेरे सखा नहीं आए, जैसे इनके तो कोई लगते ही नहीं है। ये रस की रीति है और उसमें श्री
निज संबंध को कितना गोपनीय करके रखा जाए, इसे श्री प्रिया जी दिखा रही है। कह रही है कि विदुरा न घ्राणम मदे अति मुरारे परिमला। बोले श्री मुरारी के श्री अंग का परिमल, श्री कृष्ण के श्री अंग की गंध, विदुरा मुझे तो दूर से ही आ जाती है, पर आज कृष्ण के श्री अंग की गंध दूर से भी नहीं आ रही है। श्री प्रिया जी के जहां उज्जवल नीलमणि में अनेक अनेक गुण वर्णन किए, वहां पर प्रिया जी का एक गुण है गंधों मादित माधवा, जो अपनी गंध से श्याम सुंदर को उन्मत्त कर रहे हैं। ये राधा रानी का एक गुण है। अनेक गुण जहां वर्णन किए गए हैं वहां पर एक गुण है अपनी गंध से श्याम सुंदर को जो उन्मत्त कर रहे हैं। ऐसे ही श्री प्रिया जी का एक अन्य गुण भी है, इसी गुण से अपने आप एक व्यंजना से गुण प्रकट हो रहा है कि श्याम सुंदर की गंध को दूर से भी यदि सूंघे तो उन्मत्त हो जाती है। तो प्रिया जी का जहां ये गुण है कि अपनी गंध से श्याम सुंदर को उन्मत्त करती हैं, वहां श्याम सुंदर की गंध मात्र से ही ये स्वयं भी उन्मत्त हो जाती है। वो उसी गुण को प्रकट करती हुई कह रही है कि विदुरात माने बहुत दूर से भी न घ्राणम मदयति, मेरी नासिका को श्याम सुंदर की अंग गंध मतवाला नहीं कर रही है। मुरारे परिमला, ये मुरारी की परिमल श्री कृष्ण की अंग गंध मुझे मतवाला नहीं कर रही है। मुरारी शब्द या मुरा माने विरह की बाधा या उत्कंठा, उसका नाम है मुरा, और उसको जो नष्ट कर दे उसका नाम मुरारी। तो मुर नाम करके एक दैत्य भी हुआ, श्री नारायण ने मुर दैत्य का वध किया, परंतु यहां पर रस में निकुंज में मुरारी शब्द का जो अर्थ होगा वो मुरारी अर्थ का अर्थ होगा विशेष रूप से विरह की पीड़ा को जो दूर कर। तो श्री कृष्ण के श्री अंग की गंध मेरी नासिका को व्याकुल नहीं कर रही है। न कुंजोयम तस्य स्फुरति नखर द्योत निकरे, यह कुंज भी श्री श्याम सुंदर की नखर माने नखा नखावली की ज्योति के निकर माने समूह से प्रकाशित नहीं है। तो न कुंजोयम, ये कुंज भी तस्य स्फुरति, ये श्याम सुंदर की कुंजी भी उनकी नखर ज्योति निकरी, खरी जो नखर माने नख की जो ज्योति है उस ज्योति से कहीं प्रकाशित नहीं हो रही है। ततशंके कस्मिन नपे रहस्य बल्ली बलये ते, इससे पता लगता है श्री श्याम सुंदर परिहास प्रिय है, जरूर वे मेरे साथ में हंसी करते हुए यहां किसी वृक्ष के पीछे किसी लता के पीछे छिप करके खड़े हैं और वे अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे। सो ततशंके, इसलिए मुझे ये आशंका होती है कि कस्मिन नपे बल्ली बलयति, कि किसी लताओं के घेरे के भीतर लताओं के गुल्म के पीछे आकर के श्याम सुंदर छिप गए हैं। परिहासाकांक्षी, क्योंकि उनका तो स्वभाव ही हंसी करने का है, सीधे तो कभी चलेंगे ही नहीं, सदा चटर मटर कोई न कोई टेढ़ी मेढ़ी बात बात को टेढ़ा करके ही प्रस्तुत करना ही उनका सहज स्वभाव है। सो परिहासाकांक्षी, आज परिहास के आकांक्षी में श्री श्याम सुंदर, अरे प्रिय सखी नीली स्तव सखा, वे कहीं वृक्ष के पीछे छिप करके खड़े हो गए हैं, वो तेरा सखा छिप गया है। ये तब सखा कहकर के सखी की कितनी स्नेह, सखी के साथ में स्नेह परम परम प्रकट हो रहे हैं और अपने प्रेम को गोपन रखना चाहती है, निजे में और सखी में
कोई भी अंतर नहीं है। कहना चाहिए था मम सखा, पंत कह रही है तब सखा, ये मेरा सखा है, मेरा सखा न कहकर के तेरा सखा कह रही है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम यही अद्भुत स्वभाव, गुरु सब लव लघु सवे परे दास्य भाव। श्री कृष्ण प्रेम यद्यप सखी नाही कृष्ण संगे मन, तथापि प्रयत्न राधा को राय संगम, सखी कभी कृष्ण के साथ में मिलन नहीं चाहती है, परंतु श्री स्वामिनी सखी के साथ में भी कृष्ण का मिलन कराना चाहती है। ये जो श्री स्वामी का स्वभाव है, उसी स्वभाव में कह रही है कि तब सखा, तेरा जो सखा है वो अभी तक नहीं आया। सखी के साथ में श्री राधिका की कैसी एकता है, एकात्म भाव, इस एकात्म भाव को ही तब सखा शब्द के द्वारा प्रकट कर रही है। ललिता कह रही है अभी सखी बाम तक कपन कुंजम विचिन्मा, श्याम सुंदर यहां तो नहीं है परंतु बाई ओर कदम व कुंज है, उसमें हम ढूंढने का प्रयत्न करती हैं, प्यारे यही कहीं होंगे। अब एक तरह से जैसे आंख मिचौनी का खेल है, लुका छिपी का खेल है, वो लुका छिपी का खेल यहाँ लीला लीला में वो लुका छिपी की, आंख मिचौनी की और लुका छिपी की जो लीला है वो लीला का संकेत यहाँ पर हो रहा है कि श्याम सुंदर छिप रहे हैं और श्री श्याम सुंदर को ढूंढने का ये सखी ना प्रयत्न कर रही है। परंतु श्री श्याम सुंदर यहाँ पर अभी है नहीं, श्याम सुंदर तो पधारे हुए हैं चंद्रावती जी को लेकर के किसी दूसरी कुंज में, और ये एक एक लता उनसे श्री श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। तो कह रही है बोले अभी सखी ये जो कदम्ब कुंज है, इस कदम्ब कुंज में हम श्री श्याम सुंदर को बाई ओर ढूंढने का प्रयत्न करती है। ऐसा कहकर के जो ढूंढ रही है और कहते कहते जरा सी भी कहीं आभास होता है तो छाया में भी कृष्ण का दर्शन करके व्याकुल होती हुई कहने लगती है कि ऐ छैल, अरे छलिया, अरे विदग्ध, दृष्टोसी, मैंने तुझे पकड़ लिया, ऐसा कहकर के उसी कुंज की ओर बढ़ जाती है। फिर कह रही है कि कस्मात अंगई अंगान संगोपयसि, अब अपने मुंह को क्यों छुपा रहे हो, कोई तमाल का वृक्ष है और उसमें से ही यदि कोई शाखा सामने आ जाए और शाखा हिल रही है तो उस शाखा को ही श्याम सुंदर की भुजा की रूप में कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि अपने मुख को क्यों छुपा रहे हो। पुष्पों का स्तवक है और उसमें कोई डाली आकर के उस स्तवक के आगे आ जाए तो मानो कह रही है कि अपने मुख से, अपने हाथ से अपने मुख को छुपाने का क्यों प्रयत्न कर रही हो, ऐसा कहकर के फिर पास में जाती है श्री ललिता जी, हा हा करके हंस देती है। फिर होश आता है, बोल नहीं अभी सखी इस गुल्म में नहीं है, श्याम सुंदर इस गुल्म में होंगे, इस कुंज में नहीं है, इस वृक्ष के पीछे होंगे, इस लता के पीछे होंगे, ऐसे एक एक लता से पूछ रही है, वो सबसे पूछ रही है और सब जगह जहां देख रही है वहां पर कृष्ण का दर्शन कर रही है। इति समन्ता मृद्यते, ऐसा इसी प्रकार एक एक लता के पीछे घूम घूम करके ढूंढ रही है। मृद्यते माने ढूंढना, मृद्धातु माने ढूंढने के अर्थ में आती है, खोजने के अर्थ। तो श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। श्री ललिता जी कह रही है कि सखी मुंच मार्गणा ग्रहण, अरे प्यारे को ढूंढने का आग्रह छोड़ दे, वो चंचल श्रोमणी हम यदि ढूंढने जाएंगे तो वे छिपने के लिए और भीतर चले जाएंगे, और हाय अधेरा है, कहीं कोई कांटा हो, कीड़ा हो, कंकड़ हो, श्याम सुंदर के लग जाए तो कैसी होगी, इसलिए नहीं नहीं ढूंढना बंद कर दे, चल अपन तो एक जगह स्वच्छ जो स्थान है वहां पर
आकर के विराजमान हो। जैसे रास में गोपी का ढूंढने का प्रयत्न करती है, परंतु श्री किशोर जी मना कर देती है कि नहीं प्यार को ढूंढो मत, चलो चौड़े यमुना पुल पर आकर के ही अपन श्याम सुंदर का स्मरण करें, वहां श्री श्याम सुंदर अपने आप आ जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर पहले ढूंढने का प्रयत्न की ललिता जी ने कहा कि नहीं नहीं सखी, ये ढूंढने का आग्रह त्याग कर केवल कुंज कल्पनम कुर्मा, हम प्यारे के विश्राम के लिए केल कुंज की रचना करें, ऐसे जो कह रही है श्री किशोर जी अपूर्व आनंदित हो जाए और आनंदित होकर के सखी को उस समय आदेश दे रही है कि रचय बकुल पुष्पई तोरण केल कुंजे उर्वर वरमिंदई तल्प बिंदी वराक्षी उपनय शयनांतम साध माध्वी पात्रम सहचर्य हरे अद्य श्लाघ्यताम कौशलम ते। बोले अभी सखे आज निकुंज मंदिर की ऐसी बढ़िया रचना का कि श्याम सुंदर आते ही दंग रह जाए, ओहो इतनी सुंदर रचना ये निकुंज की किसने की है। सो अभी सखी आज तेरी कुशलता की श्याम सुंदर प्रशंसा किए बिना नहीं रहे, बड़ी सुंदर पुष्प के द्वारा आज कुंज की रचना कर। हमारे वृंदावन में सब जगह सब मंदिरों शिव मंदिरों में सुंदर सुंदर बंगला बने, ये वही भावना है जैसे कुंज भवन उनकी श्री किशोरी जी ने आदेश दिया और जितनी भी सखीगण है वो श्री श्याम सुंदर के लिए कुंज भवन की रचना करके श्री प्रिया लाल को कुंज भवन में विराजमान करके दिलसा रही है। श्री किशोरी जी आज 62 सज्जा नायिका स्वरूप धारण करके विराजमान हुई है। अष्ट नायिकाओं में एक नायिका है उसका नाम है 62 सज्जा। 62 माने धारण कर लिया है, सज्जा माने जिसने सुंदर वेश, प्यारे से मिलने के लिए सुंदर वेश और शैया कुंज इनकी रचना बना करके जो प्रतीक्षा करती हुई विराजमान हो, ऐसी नायिका का नाम है 62 सज्जा। और उस 62 सज्जा नायिका के स्वरूप का ही वर्णन श्री किशोर जी ललिता जी को आदेश दे रही है कि अरे सखी रचय बकुल पुष्पई तोरणम केल कुंजे, सुंदर बकुल के पुष्पों के द्वारा केल कुंज में सबसे पहले तो द्वार के ऊपर सुंदर तोरण बना, अर्थात आम की ही एक प्रकार है बकुल, तो माने आम की सुंदर बंदरबार और मोर उनकी सुंदर बंदरबार बना करके द्वार के ऊपर सुंदर तोरण की रचना करके श्याम सुंदर के स्वागत के लिए कुंज मंदिर को सुंदर सजा, जिस पर सुंदर कहीं जो लटकन है वो लटकन लग रहे हो, पूरी माला लग लटक रही हो, लटकन लग रहे लटक रहे हो, सुंदर जहां बंदरबार बधी हुई हो ऐसे पुष्पों की बंदरबार बना करके द्वार बना करके तोरण बना करके सबसे पहले तो कुंज के रचना को कर, कुंज के द्वार की रचना कर। सो रचय बकुल पुष्पई तोरणम केल कुंजे, फिर कुर वर मरमिंदई तल्पम इंदी वराक्षी, अरे इंदी वराक्षी नीले कमल के समान नेत्र वाली अरे ललते वर मरमिंदई सुंदर लाल कमल के द्वारा तल्पम शैया की रचना कर। लाल कमल उनकी पंखुड़ियों को अलग करके पंखुड़ियों को सुंदर सजा करके भीतर का जो कोष भाग है वो कहीं चुभे नहीं श्याम सुंदर की पीठ में, उसको निकाल करके अलग करके कोमल कोमल जो पत्ते हैं उन पत्तों के द्वारा ही सुंदर अरविंद के द्वारा मन लाल कमल के द्वारा अरि इंदी वराक्षी नील कमल के समान नेत्र वाली ललते तू तल्पम शैया की रचना कर। फिर बड़ी कुशलता से और बड़ी सुरुचित पूर्णता के साथ में उपनय शयनांतम साधु माध्वी का पात्र, शरबत का जो पात्र है मधु का पात्र, उस मधु पात्र और चषक झारी और चषक
इन दोनों को सुंदर सजा करके एक चौकी के ऊपर सजा करके माध्विक पात्र को शरबत के पात्र को सजा करके रख, बिल्कुल करीने के साथ। चीज घर में पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, घर में रखी हुई होनी चाहिए। अलग पता लग जाता है कि ये पड़ी हुई है और ये रखी हुई है। तो चीज रखी हुई होनी चाहिए, पड़ी हुई नहीं। तो उपनय शयनांतम, शैया के पास में साथ माने तरीके के साथ में माध्विक पात्रम, जो शरबत का पात्र चषक, उसको संभाल करके रख। सहचरी हरि अद्य श्लाघ्यताम कौशलम के, हरि सहचरी आज श्री हरि तेरी कुशलता, तेरी सौंदर्य प्रियता इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। तुझ में जो सौंदर्य बोध है, उस सौंदर्य बोध की श्री हरि प्रशंसा करें कि आह, सामान्य सी चीजों को भी कितनी कुशलता और कलात्मकता के साथ में प्रस्तुत किया है। ये जो तेरा सौंदर्य बोध है, वह सौंदर्य बोध श्री श्याम सुंदर की भी प्रशंसा को सामने प्रकट करा दे। सुंदर स्वभावोक्ति अलंकार, वस्तु का स्वाभाविक रूप में जो वर्णन, वो कुशलता के साथ में यहां पर प्रस्तुत किया। ललिता जी कह रही है कि ले सखी, मैं शैया रचना कर देती हूं। और ऐसा कहकर के श्री ललिता बड़ी कुशलता के साथ में शैया रचना, निकुंज की रचना, निकुंज की सजावट करती हुई विराजमान हो रही है। तथा कृत्वा हलापेक्ष कह रही है, अरे सखी बहुत देर हो गई, कृष्ण विलंब थे, श्याम सुंदर बहुत देर लगा रहे हैं, अभी तक श्याम सुंदर आए नहीं, क्या बात है, क्या बात है, श्याम सुंदर आए नहीं। तब कुंज प्रविश्य एनम प्रतीक्ष बही, अरे सखी कुंज में भीतर तो कहीं श्याम सुंदर नहीं है, ऐसा कहकर के आप कुंज में प्रवेश करके, आसपास कुंज में भी प्रवेश करके, शैया भवन के बाहर भी कुंज जो है उन कुंज में प्रवेश करके हम इनको ढूंढती है, इनकी प्रतीक्षा करती है। तो कुंजम प्रवेश ऐनम प्रतीक्षे वही, हम दोनों इनकी प्रतीक्षा करते हैं। कुंज निकुंज और निवृत्त कुंज, तो कुंज माने निवृत्त कुंज का जो बाहरी भाग है उसको कुंज कहेंगे। उस कुंज में प्रवेश करके जहां श्री युगल सरकार आनंदपूर्वक विश्राम करेंगे वह है निवृत्त कुंज एकांत। उसके बाहर निकुंज और उसके बाहर फिर कुंज, वो कुंज विराजमान। कुंज में प्रिय नर्म सखाओं का भी कहीं बाहर के, जहां श्री राधा कुंड का वर्णन किया कृष्ण भावनामृत में या श्री गोविंद लीलामृत में, वहां पर कुंज में प्रिय नर्म सखाओं का भी बाहरी मंडल में प्रवेश है। तीन परकोटा है, तीन परकोटा में जो बाहरी परकोटा है उसमें प्रिय नर्म सखा भी प्रवेश करते हैं और वे केवल डोरी से पंखा खींचने की सेवा वहां करते हुए विराजमान है। मधुमंगलानंद कुंज, सुबलानंद कुंज, ये श्री राधा कृष्ण कुंड के भी चारों ओर जो अष्टकुंज है सखाओं की, आठ जो प्रिय नर्म सखा है उनकी कुंज विराजमान, और उन कुंज में सखाओं का भी प्रवेश है। उनके बाहर है निकुंज, निकुंज में केवल सखियों का प्रवेश, और निवृत्त कुंज में केवल मंजरी और श्री प्रियालाल ये ही विलास करते हुए विराजमान। उस समय मंजरियों का के साथ में भी संकोच नहीं है, सखियों के साथ में श्री किशोरी जी को संकोच है, परंतु मंजरियों के सामने श्री प्रियालाल इन दोनों को भी कहीं संकोच नहीं। तो ये सखीगण कोई असंकोचता भूमिका में ये मंजरीगण विराजमान है, इनकी महिमा अद्भुत। ऐसे पूरी बाहर की कुंज में
ललिता जी और श्री राधिका दोनों की दोनों चक्कर लगा आती है, देख लेती है, परंतु वहां भी कहीं श्याम सुंदर नहीं दिख रहे हैं। अब श्री किशोर जी की यहाँ पर दशा उपस्थित हो रही है। अष्ट नायिकाओं में, आठ नायिकाओं में एक नायिका है, उसका नाम है खंडिता। पहले वासक सज्जा, पहले उत्का नायिका का निरूपण किया। उत्का नायिका का तात्पर्य है जो उत्कंठित होकर के विराजमान। फिर वासक सज्जा का तात्पर्य है जो श्रृंगार धारण करके प्यारे की प्रतीक्षा करे। फिर खंडिता जो नायिका है, विप्रलब्धा, विप्रलब्धा नायिका माने जो विरामे युक्त होकर के विराजमान। और चौथी नायिका है खंडिता। खंडिता का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर जिनको संकेत देकर के जिनकी कुंज में ना आए, और वे ये विचार करते हुए कि आज मेरा श्रृंगार धारण करना व्यर्थ हुआ, दुखी होकर के सारे श्रृंगार को उतार उतार करके फेंके, वो खंडिता नायिका का जो स्वरूप है, तो वो उस खंडिता नायिका के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। श्री गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी पात्र ने वो खंडिता नायिका की, श्री प्रिया जी की उस माननी उस खंडिता दशा का अनेक बार बड़ा सुंदर जैसे वर्णन किया, वो उसी प्रकार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्री प्रिया उत्का नायिका के स्वरूप को धारण करके, उत्कंठता नायिका के स्वरूप को धारण करके कह रही है कि रुद्धत्वाप सखी हितार्थ परया शंके हरि पद्मया। बोले अरे ललिता, मुझे लगती है, लगता है कि उस पद्मा ने, चंद्रावली जी की सखी है पद्मा, उस पद्मा ने अपनी सखी के हित के लिए श्याम सुंदर को कहीं बातों में उलझा करके रास्ते में ही रोक तो नहीं लिया, यानी आए क्यों नहीं। तो रुद्धवा को आके श्याम सुंदर को जरूर रोक लिया होगा कहीं, सखी हितार्थ पर्या, जो पद्मा अपनी सखी चंद्रावली के हित में ही सर्वदा सर्वदा लगी रहती है, ऐसी श्री पद्मा ने सखी हितार्थ पर होकर के अपनी चंद्रावली सखी के ही हित के लिए शंके हरि रुद्धा श्याम सुंदर को कहीं रोक लिया है, अथवा प्राप्तम कुंज ग्रहम यदेश न तमी यामे प्रतिक्राम्यति। श्याम सुंदर प्राप्तः कुंज ग्रहम यदेश न, अभी तक कुंज ग्रह में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम सुंदर, यहां इतनी देर हो गई, यहां क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। तमी यामे अपि अतिक्रामति, तमी माने रात्रि, रात्रि का यह प्रहर भी व्यतीत होने पर आ गया, रात्रि का यह प्रहर भी, एक प्रहर भी व्यतीत होने पर आ गया, परंतु श्री श्याम सुंदर अभी नहीं आए। देख देख पौरो मी रथ।